माननीय गोवर्धन ने जो बातें रखी हैं, ये तो बहुत छोटी बातें रखी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विश्वास कीजिए, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपकी है। धीरे धीरे चलिए, आपको सब कुछ मिलेगा। खेल का स्टेडियम निश्चित रूप से इस गांव को मिलेगा। यहां जिस तरह से हमारा किसान मेहनत करता है, हमें पता है आपकी ये सरकार उसकी मांग को भी पूरी करेगी कि यहाँ पानी की समस्या है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उससे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा बुधवार को पहली बार सीकर के धोद क्षेत्र के बोसाना गांव में आए। यहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इस दौरान शिविर में दूरदर्शन की ओर से वैन के माध्यम से आमजन को केंद्र सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं की वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री शर्मा ने आमजन को केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। माननीय गोवर्धन ने जो बातें रखी है, ये तो बहुत छोटी बातें रखी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप विश्वास कीजिए, ये सरकार आपकी है, ये सरकार आपकी है। आपने जिस मन से, जिस भाव से राजस्थान के अंदर सरकार आई है, आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। वो सरकार नहीं है जिन्होंने वादे किए थे और चुनाव से चार महीने लगातार, चार महीने के लिए हमने एक महीना नहीं हुआ है, आपने देख लिया, हमने स्टार्ट कर दिया है और आने वाले समय में हम चरणबद्ध तरीके से जो आपने, हमने संकल्प पत्र लिया है, उस संकल्प पत्र को पूरा करेंगे, ये विश्वास दिलाते हैं। और गोवर्धन जी ने कहा है, गांव बड़ा है, खेल के लिए स्टेडियम चाहिए। गोवर्धन जी, खेल का स्टेडियम भी मिलेगा और आपने जो कहा है आगे वो भी मिलेगा। आप सब्र करिए, धीरे धीरे चलिए, आपको सब कुछ मिलेगा। खेल का स्टेडियम निश्चित रूप से इस गांव को मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत संकल्प यात्रा जो उनका सपना है कि कोई भी वंचित व्यक्ति हमारी योजनाओं से वंचित ना रहे, ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके गांव, आपके घर आकर के विभिन्न योजनाओं का लाभ आपको मिले, उस पात्र व्यक्ति को मिले, कोई भी व्यक्ति छूट ना पाए, इसके लिए उन्होंने लगातार इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से पूरे देश के अंदर ये हमारी यात्राएं चल रही हैं। मैं आज सीकर के इस छोटे से गांव में, क्योंकि सीकर वो धरती है, बाबा खाटू की धरती है, जीण माता की धरती है, सांगलिया धूनी की धरती है, ये सेकावाटी का प्रवेश द्वार है, ये सेकावाटी की हृदय स्थली भी है। ये अपने आप में सीकर एक ऐतिहासिक है। यहाँ की हवेलियां, यहाँ की वास्तुकला, यहाँ के भित्ति चित्र, और सबसे बड़ी बात है, महाराज जी कह रहे थे, गोवर्धन जी कह रहे थे, ये किसान और जवान की धरती है और पूरे देश के अंदर जानी जाती है। यहाँ का मेहनती किसान धरती का चीना चीर के अन्न उगाने का काम करता है। यहां जिस तरह से हमारा किसान मेहनत करता है, हमें पता है, महाराज जी ने सारे में कहा है, निश्चित रूप से आपकी ये सरकार उसकी मांग को भी पूरी करेगी कि यहाँ पानी की समस्या है, निश्चित रूप से आने वाले समय में उससे भी आपको निजात दिलाने का काम करेंगे। यहाँ के सैनिक
जिन्होंने ऐसा कोई भी युद्ध नहीं होगा जिसमें सीकर का वीर नहीं होगा, ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं। माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हमारी योजना है, और 2014 के बाद इन योजनाओं का, गरीब कल्याण योजनाओं को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर गरीब हर गांव में पहुंचाने का आगे है, मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, स्वास्थ्य कैंपों में लगभग 16 लाख लोगों से ज्यादा इस स्वास्थ्य कैंपों में हमारे लोगों ने फायदा लिया। आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, शिविरों में जिस तरह से भीड़ उमड़ रही है, लोग आ रहे हैं, और एक बात सबसे बड़ी बात है कि जनता को विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और करते हैं वो ही कहते हैं। और हमने जिस तरह से गरीब कल्याण की योजना लागू किया है, उनका लाभ नीचे तक पहुंचे, इसलिए इन शिविरों का आयोजन किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम सब एक सत्य नागरिक होने के नाते इनका पूर्ण रूप से लाभ उठाते हुए इन हम शिविरों में काम करें। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरह से गारंटी, मोदी जी की गारंटी हर विषय पर दी जाती है, आप उस गारंटी के साथ काम करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आपसे यही कहना चाहता हूं कि इन शिविरों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने के संकल्प की शपथ दिलाई। बोसाना आगमन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का धोद विधायक गोवर्धन वर्मा, सांसद सुमेधानंद सरस्वती, भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी सहित भाजपा नेताओं ने स्वागत किया। इस दौरान खंडेला विधायक सुभाष मील, पूर्व जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, भाजपा नेता हरिराम रणवा, रतनलाल जलधारी, रमेश्वर लाल रणवा, सुभाष मेहरिया, श्रवण चौधरी, गजानंद कुमावत, पूर्व विधायक केडी बाबर, बाबू सिंह बाजोर, धोद प्रधान सुनीता रणवा, भवरलाल वर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता मौजूद रहे।